ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਟਬਲਯੂ ਐਸਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਜਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪੀਆਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ सी आर एस रैंकिंग बहुत उपर जा रही है मेरा तो केस कदे आ रहा ही नहीं लोग सोचते उदू बाद मेरे आईलेट्स सी एल बी नाइन आ ही नहीं रहे 777-8 आ नहीं रहे तो मेरा केस बनेगा नहीं मैं तुहानू क्लीयर दसा ये सिर्फ लोगों की अपनी सोच है अपने खुद के बनाए हुए इंप्रैशनस आ कैनेडा पी आर लैनी नो डाउट थोड़ी जी टफ पै जाती कई बार बट ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਟਲੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $550 ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ $825 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ $490 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ जे गल करिए डिपेंडेंट चाइल्ड की फीस $150 तो वधा के $225 कर दी है ये चेंज ऑफ फीस की रिफलैक्ट कर रहा कि कैनेडा गवर्नमेंट हुण बड़ी ही कीनली इंट्रस्टड हैगे है एप्लीकेशन चकन दे किन्ना दे मैक्सीमम एप्लीकेशन चकन नू लैण नू तैयार है ता ही उन्होंने फीस दे विच स्लाइट चेंजेस डिफरेंस लैंदे गए है सो ये फीस दे नाल नाल जे हुण असीं गल करिए जे तुहाडे सिर्फ स्टार्ट पॉइंट बनते हैं मैं कहूँ वह बंदा एलीजिबल हो जाता जिदे सिर्फ एंड सिर्फ 6 बैंड ईच मड्यूल है और 67 पॉइंट बना के पूल एंट्री चला गया पूल एंट्री जाके तुहाडे कोल बहुत रस्ते हैगे आ तुसीं जॉब ऑफर लै सकते हो जे तुसीं वर्क करो एक्टिवली तां उहदे लई तुहाडा कंसल्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिहड़ा कि तुहानूं दस सके जॉब ऑफर किस तरीके नाल लई जा सकदी है जरूरी नहीं असीं पेमेंट दे के पैसा दे के जॉब ऑफर खरीदनी है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੈਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਐਲਬਰਟ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਯੂਕਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ नोवा स्कोशिया ने जिन्हें नर्सिस सिर्फ नर्सिस चकिया जिन्होंने ईवन दो GNM डिप्लोमा किया BSc नर्सिंग की थी पर उन्होंने आइलेट्स जोड़े है CLB 8 6.5 बैंड सके और पूल दे विच उन्होंने एंट्री सी 370 वाली मिनीम एप्लीकेशन भी नोवा स्कोशिया नर्सिस की चकी गई है बहुत वधिया PNP दे विच 600 पॉइंट मिलेंगे PR दे विच उन्होंने केस लग गया बशर्ते की है कि तुसी पूल एंट्री दे विच होने चाहिए हो इवें नोवा स्कोशिया ने पहला अर्ली चाइल्डहुड टीचर लभे इस तरीके अल्बर्टा अपने हॉट आकूपेशनस कर रहा ससकैचुअन की साइड पर जाओगे ससकैचुअन के लिस्ट ऑफ आकूपेशन है जिन्हों टाइम टू टाइम एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा इस तरीके BC भी है दैन मैनीटोबा है ये जरूरी नहीं है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के जॉब ऑफर होएगी तो एप्लीकेशन आनी है या तुम उतों की नॉमीनेशन ही कल ही अप्लाई करो नहीं सो जिहड़े लोग कन्फ्यूज है वह कन्फ्यूज चल रहे हैं वह कहते CRS जो स्कोर है 360 चल रहा 370 चल रहा है सॉरी 460 चल रहा 470 चल रहा मेरी तो एप्लीकेशन आनी ही नहीं है वह गलत नहीं वह सोचनी गलत है क्योंकि जे ताड़ी एप्लीकेशन PNP के थ्रू चकी जाती है तो वह 600 पॉइंट आते हैं सो इस करके मैं हमेशा यह स्ट्रेस दिना कि तुम चोन करो पहले तो कंसल्टेंट कौन है तुहाड़ा जे कंसल्टेंट तुहाड़ा एक्सपीरियंसड है वो तो एप्लीकेशन बड़े ही टैक्टफुली तरीके लैके जा सकता बट जे कंसल्टेंट कुछ नहीं पता तो डेफिनेटली एप्लीकेशन उत्तर स्ट्रकआउट हो जाएगी और पता ही नहीं लगना मैं अगे की करा किस तरह करा पूल एंट्री किमें पाव पूल में किमें मैनेज करा सो पूल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 90% एप्लीकेंट जोड़े खुद करते हैं उन्होंने तो जमें ही नहीं पता गा पूल मैनेजमेंट किस तरह प्लस कई कंसल्टेंट्स भी जिन्होंने कैनेडा PR के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है या नवा नवा स्टडी वीजा तो कन्वर्ट होकर PR के कर लगे है उन्होंने भी नहीं पता लेकिन असी पूल मैनेजमेंट किवें करना
सो इस लिए सब तो ज़्यादा पूल मैनेजमेंट कैनेडा पी आर लिए पी एन पी बहुत सॉलिड आ जिसे तुम्हें 600 पॉइंट मिलने और पी एन पी आ जाती है जे तुम थोड़ा जहा एक्टिवली काम करो आकूपेशन थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए पी एन पी के किसी न किसी के पी एन पी आराम मिल जाती है बट कैंडीडेट और कंसल्टेंट एक्टिवली वर्क करे उस एप्लीकेशन से हर रोज़ वो एप्लीकेशन खुलनी चाहिए है हर रोज़ देखना चाहिए भी यदि कितने बन रही है मेरी एप्लीकेशन सो कैनेडा पी आर जे तुम स्किल्ड कैटागरी के आने स्किल्ड वर्कर कैटागरी के आने हो चाहे तुम एक्सप्रैस जाना चाहते हो चाहे तुम पी एन पी के थ्रू जाना चाहते हो अल्टीमेट गोल जो है साडा कैनेडा पी आर लैंड है उसके लिए दिस इज़ द राइट टाइम हुण कैनेडा गवर्नमेंट पी आर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लै रही है काफ़ी ज़्यादा चक रही है फीस चेंज के काफ़ी आया और तुम देखो पूल के जेडे कैनेडा के स्टूडेंट है उत्थे पढ़ रहे या वर्क परमिट के है उन्होंने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत ज़्यादा उन्होंने प्रायोरिटी दे रही है मैक्सिमम एप्लीकेशन जीडिया है जिन्होंने कैनेडियन एक्सपीरियंस है कैनेडियन स्टडी हैगी पी एन पी ने उतो चक्या वो मैक्सिमम आ रही है क्योंकि स्टेट में बहुत ज़्यादा ऑथोराइज किया कैनेडा गवर्नमेंट ने कि तुम स्टेट मैक्सिमम स्किल्ड आकूपेशन जी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए है वो ले लैन और कैनेडा गवर्नमेंट की इस टाइम स्ट्रेस भी यही है कि कोई भी स्किल्ड बंदा वापस ना जाए और मैक्सिमम स्किल्ड जो ब्रेन है उन्होंने उत्तर माइग्रेट कर सो प्लीज़ जे तुम कैनेडा जाने लिए इंट्रस्टड है कि इधर उधर जाओ पैसे ना फसाओ कि भी जा बहुत ज़्यादा खर्चा ना करो जो कंसल्टेंट कहता मैं तुम्हें जॉब ऑफर लैके दे सकता है वो तो प्लीज़ अवॉइड करो सो दोस्तों जे तुम कोई कंसल्टेंट कहता है मैं 10 लाख 20 लाख 15 लाख के जॉब ऑफर दे लै दंगा प्लीज़ तुसी ट्रैप हो रहे हो जेड़ी तुसी डमी जॉब ऑफर लेने हो कैनेडा गवर्नमेंट उन्हों ईजली असैस पता कर लेंदी है कि डमी जॉब है या ये एक्चुअल जॉब तुसी अपनी एबिलिटी ते लई है जे जॉब लेनी है जॉब ऑफर लेनी है तो अपनी खुद की एबिलिटी ते लो डमी जॉब ऑफर लेने हो पेड जॉब ऑफर लेने हो तो तुसी बड़े ही छेती ट्रेसेबल हो जाओगे और कैनेडा गवर्नमेंट तुहाडा बैन भी कर सकती है सो बहुत घट खर्चा करके थोड़ी जी मेहनत करके बड़े ईजली पी आर लेके जा सकते हो जस्ट कंडीशन एको ही आ तुहाडा कंसल्टेंट बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और मैं इतने प्राउड फील करता मैं खुद कैनेडा तो इमीग्रेसन लॉ का डिप्लोमा किया और पिछले 18 साल तो प्रैक्टिस कर रहा सिर्फ इस चीज़ की मेरे को बहुत केसिस आते हैं जोड़े रिफ्यूज़ होए होंगे या वो आई टी आई लैन तो बाद भी रिफ्यूज़ होंगे आ रीज़न की है कि उन्होंने केस मिसहैंडल्ड होंगे सो जो पी आर लाना चाहते हो साढ़े नंबर दिते हुए है तुम कैंडी इन्हों के काउंसलर नाल गलबात करके मेरे नाल तुसी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो जे तुसी तुहाडा कोई दोस्त लेना चाहता है इनफॉर्मेशन प्लीज़ तुसी ये वीडियो उन्होंने शेयर करो और जे कनेडा दे वीज़ा रूल्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम ये जो नवी नवी चेंजेस आ रही है जब स्टेट नॉमीनेशन की आकूपेशन कर रहे हैं किस तरह कर रहे उस मैं टाइमली वीडियो दिता रहना प्लीज़ इन सबसक्राइब करो और अपनी इन्फॉर्मेशन अगे शेयर करो सत श्री अकाल।